विदाउट मेकअप तो हर कोई ब्यूटीफुल दिखना चाहता है, बट ऐसा होता नहीं। एक्ने मार्क्स दिखते हैं, डार्क सर्कल्स दिखते हैं, कैसे विदाउट मेकअप ब्यूटीफुल दिखे? सो डोंट वरी, आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विदाउट मेकअप हम ब्यूटीफुल कैसे दिखे। बट अब आप बोल रहे हो कि हम ब्यूटीफुल कैसे दिखे, क्योंकि हमारे फेस पे तो इतने सारे डार्क स्पॉट है, एक्ने के मार्क्स है, उसमें हम ब्यूटीफुल कैसे दिखे? पर डोंट वरी, ये वीडियो खास आपके लिए। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप विदाउट मेकअप भी ब्यूटीफुल दिख सकते हो, बट आपको ये कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। ये चीजें आप फॉलो करोगे तो 100% आप विदाउट मेकअप भी आप बहुत ब्यूटीफुल ग्लोरियस दिखोगे और आपकी जो स्किन है वो अंदर से ग्लो करेगी। सो इस वीडियो को आप फुल एंड तक देखिए, तभी आपको समझेगा विदाउट मेकअप आप ब्यूटीफुल कैसे दिख सकते हो। सो अभी मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, बट आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और जो साइड में नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना है। सो न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएंगे। सो अभी चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट जो हमारी टिप है वो है, हमको सुबह उठ के थोड़ा सा गुनगुना पानी पीना है। ऐसे करने से हमारी स्किन में से जो टॉक्सिक है वो रिमूव हो जाएंगे और हमारी स्किन अंदर से ग्लो करेंगे। तो इसमें आपको थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है, उसमें आप चाहे तो हनी डाल सकते हो, लेमन डाल सकते हो, बट आपको सुबह उठ के एक ग्लास गुनगुना पानी पीना है। इससे करने से आपके बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसको रिमूव करेगा और आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी रहेगी। जो एक्ने पिंपल्स जो आने वाले हैं वो नहीं होंगे, आपकी स्किन हमेशा हेल्दी और फ्रेश दिखेगी। सेकंड जो पॉइंट है वो है सनस्क्रीन लगाना। अभी बोले तो मानसून चल रहा है, बहुत लोग सनस्क्रीन को स्किप कर देते हैं, बट सनस्क्रीन हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि अभी आपको उसके रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे। जब आप थोड़ा टाइम में रिजल्ट हो तो आपके फेस पे फाइन लाइन आएंगे, रिंकल्स आएंगे। सो उससे पहले बेटर वे हम पहले से ही सनस्क्रीन, हमारा जो प्रोटेक्शन है सन से बहुत हार्मफुल रेज़ है, उससे प्रोटेक्शन करने के लिए आपको सनस्क्रीन डेफिनेटली लगानी, और वो भी तीनों सीजन में, विंटर हो, रेनी सीजन हो, आपको सारे सीजन में आपको सनस्क्रीन लगानी है, उसको स्किप नहीं करना है बिल्कुल। नेक्स्ट जो हमारी टिप है वो है आपके फेस को वीक में एक बार तो फेस मसाज देना चाहिए। जो भी आपका फेवरेट कोकोनट ऑयल लीजिए और उससे आप अपने फेस से, मतलब फिंगर से आपको फेस को मसाज करना है। ऐसे करने से ना ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है और स्किन का जो नेचुरल ग्लो है वो दिखने लगता है। आप देखते हो वगैरह होते, जापानीज लोग होते हैं, उनकी स्किन कितनी फ्लॉलेस लगती है, क्योंकि उनके स्किन केयर रूटीन में वो फेस मसाज डेफिनेटली इंक्लूड करते हैं। सो हमें भी वीक में एक बार तो हमारे फेस को हमें फिंगर से मसाज डेफिनेटली करना चाहिए। आप अपने फेवरेट कौन सा भी, बट कोकोनट ऑयल इज द बेस्ट। वो कोकोनट ऑयल लीजिए, जस्ट अपने फिंगर से 2 मिनट के लिए आपके फेस पर मसाज कीजिए। ऐसा करने से आपको फाइन लाइंस भी नहीं होगी, पिंपल्स, एक्ने के मार्क्स, पिंपल्स, एक्ने की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन अपने हमारे पूरे फेस पे होगा तो नो एक्ने पिंपल। सो वीक में एक बार तो फेस मसाज डेफिनेटली आपको करना चाहिए। और जो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, हमारे फेस पे पिंपल्स आते हैं, सो पिंपल्स का हमें उनको राइट वे से ट्रीट करना चाहिए, ना कि हमारे पिंपल्स को हमें स्प्लिट करना चाहिए, उसको राइट वे से ट्रीट करना चाहिए। कुछ होममेड इंग्रेडिएंट्स से हम फेस मास्क लगा सकते हैं, उससे हम ट्रीट कर सकते हैं, बट हमको उसको स्प्लिट नहीं करना है और बहुत ही ज्यादा केमिकल एक्सप्लोरेशन उस पिंपल को नहीं लगाने हैं। और वीक में आपको एक या दो बार अपने फेस को DIY फेस मास्क तो लगाना ही चाहिए, मतलब होममेड फेस मास्क जो भी है, आपको जो भी इंग्रेडिएंट पसंद है उससे आपको फेस मास्क लगाना चाहिए, मतलब और भी हमारे स्किन को पैम्पर कर सकते हैं और हमारी स्किन और भी हेल्दी रह सकती है। और जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमें आइस मसाज लेना है। आप मेकअप करने से पहले आइस मसाज ले तो बेस्ट है, आपको स्वेट नहीं आएगा। 2 या 3 बार आपने आइस मसाज किया अपने फेस पर, जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि आजकल ओपन पोर्स की प्रॉब्लम बहुत चल रही है। तो आपको वीक में 1 या 2 बार किया तो भी सफिशिएंट होगा, बट आइस मसाज डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। सो दैट्स इट गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो पसंद इस वीडियो को लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। सो इस तरह आपने ये रूटीन फॉलो किया तो आपको विदाउट मेकअप आपका फेस एकदम स्टाइलिश, ग्लोइंग और नेचुरल जो फेस का ग्लो है वो दिखेगा। आपको मेकअप करने से कोई ज़रूरत नहीं, आपका फेस का जो नेचुरल ग्लो, दिस इज द बेस्ट। सो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव योरसेल्फ।